नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आज पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कल संडे है और संडे को आप बस, मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप संडे को रिवीजन डे रखिए, क्योंकि वीक में ना एक दिन आप रिवीजन कर लेंगे, सहूलियत रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को लोड करते जाएंगे और फिर सोचेंगे एक बार कंप्लीट करने के 2 महीने बाद आपने फिर बुक उठाएंगे, आप जीरो से शुरू करेंगे, आपको फिर महीना लगेगा। लेकिन जब आप एक बार हफ्ते में एक बार भी रिवीजन कर लेंगे, तो वहाँ मान के चलिए आपने 1.5 महीने में कोई बुक कंप्लीट की और आपने 3 या 4 या 5 दिन दिए उसके लिए, लेकिन आपका रिवीजन 2 बार हो गया उसका, साथ के साथ आपका रिवीजन हो गया, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। और वही आपने रिवीजन नहीं किया, बस एक बार बुक कंप्लीट की और 3 महीने बाद फिर उठाई, तो आप बिल्कुल चीज़ों को जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन संभावना है, अगर आप थोड़ा कम भी चीज़ समझ पा रहे हैं और रिवीजन हफ्ते में एक बार कर रहे हैं चीज़ का, तो आप 30 से 40% फिर भी, शायद हो सकता है 50 से 60% कर पाएँ 2-3 महीने बाद, लेकिन 30-40% तो मिनिमम आपके पास होगा ही होगा, आप 2-3 महीने बाद ठाएंगे तो भी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द अचीवमेंट ऑफ अर्ली पेशवाज, यानी जो प्रारंभिक पेशवा जो थे उनकी क्या उपलब्धियां रही थी और कौन कौन वो पेशवा रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धि के बारे में जान लेते हैं पहले, उससे पहले एक बात, एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि 1689 में औरंगजेब ने, जो शिवाजी के पुत्र थे, यानी शिवाजी के जो बेटे थे, शंभूजी, हाईलाइट करता हूँ उनकी, जो 1689 में एक युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब ने, जो शिवाजी के जो बेटे थे शंभूजी, उनको हरा कर मार दिया था। यानी शंभूजी जो थे वो हरा कर मार दिए गए थे, और जो उनके जो फिर उनके जो पुत्र थे साहू, और उनको बना लिया था बंदी, यानी जो साहू थे उनको बंदी बना लिया था और जो शंभूजी थे उनको हरा कर मार दिया गया था। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उल्टा लग गया है, लेकिन यहाँ पे जो शंभू जी को मारा गया था और साहू को बंदी बनाया था। अब मराठा हार तो गए थे, ऐसा नहीं है कि जो मराठा हार गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गए थे, वो निर्जीव नहीं हुए थे, वो बने रहे थे। शिवाजी का जो छोटा बेटा था राजा राम, अपनी जो उनकी मृत्यु हुई थी 1700 ईस्वी में, तो वो उस टाइम तक ये युद्ध लड़ते ही रहा था मुगलों से। और उसके बाद जो राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने ये जारी रखा, तो ये कंटिन्यू रहा था। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब से हारने के बाद 1689 में जैसे ही वो हारे हों वो निर्जीव हो गए, नहीं, वो हारे नहीं थे, ये 1689 में हुआ था युद्ध, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, जो वो थे, जो औरंगजेब के बाद के जो शासक हुए थे, उन्होंने साहू को छोड़ दिया था। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं जो बालाजी विश्वनाथ थे, क्योंकि उससे पहले ही बालाजी विश्वनाथ चर्चा में आ गए थे। ये 1713 से 1720 तक रहे थे बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा रहे थे 1713 से लेके 1720 तक। देखिए, जो बालाजी थे ये एक जो कोंकण जो ब्राह्मण है उनके उससे थे, ये जो महाराष्ट्र में एक कोंकण ब्राह्मण कुल था और उसके वंशज थे, ये उसके उनसे कुल से थे। ये जो कोंकण जो ब्राह्मण है, ये आज भी अपनी जो बुद्धिमानी है और आज भी अपनी जो प्रतिभा और बुद्धिमानी है उन सब के लिए विख्यात है। यानी उस टाइम पर तो थे ही थे, ये आज भी काफ़ी फेमस है अपनी जो इनकी बुद्धिमानी और प्रतिभा है उसके लिए। जो उनके पूर्वज थे वो एक, मतलब कर संग्रह करता थे, यानी जो उनके पूर्वज थे वो एक जो जंजीरा एस्टेट है, जंजीरा जो राज्य था उस टाइम पे, उसमें कर संग्रह करता थे, यानी कर मतलब टैक्स वगैरह जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कलेक्टर थे उस टाइम पे। देखिए, 1699 से लेके 1704 तक औरंगजेब जो फोर्स थी वो पूना और खेड़ के पास थी, जो औरंगजेब की जो फोर्स थी वो पूना और खेड़ के पास थी, लेकिन उन्होंने बालाजी को पनिश नहीं किया था। इससे एक आइडिया लगाया गया कि ये जो बालाजी थे ये शायद जो औरंगजेब की जो सेना थी उनके लिए शायद ये ट्रूप्स वगैरह, जो औरंगजेब की जो रॉयल जो ट्रूप्स थी, जो औरंगजेब की जो सेना थी उनके लिए जो सप्लाई जो थी उसके में हेल्प कर रहे थे, खाना वगैरह इन सब चीज़ों की जो सप्लाई जो थी इन सब की पूर्ति करने में हेल्प कर रहे थे। और शायद इसी दौरान ये, क्योंकि इस चीज़ का कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबली, यानी एक शायद है कि इसी दौरान इसी पीरियड में जो बालाजी थे उनकी जो मुलाकात थी वो साहू से हुई थी।
जो 1600 ये 1699 से लेके 1704 तक, और साहू को 1707 में जो आजम शाह जो था उसने रिलीज कर दिया। उसने क्या सोचा, जो बहादुर शाह जो था उसने रिलीज किया, आजम शाह इन्हीं का नाम बहादुर शाह था, तो उन्होंने रिलीज कर दिया। उन्होंने सोचा कि यहाँ से साहू चला जाएगा वहाँ पे साउथ में, यानी जो मराठा क्षेत्र है, और मराठे तो मुगलों को दुखी कर ही रहे थे भाई, कंटिन्यू कुछ ना कुछ कभी कहाँ पे ये गुरिल्ला युद्ध करते थे छिप छिप कर, तो मराठ वो दुखी थे। तो उन्होंने सोचा कि यार ये वहाँ चला जाएगा, इनमें आपस में जो उत्तराधिकार का युद्ध है, क्योंकि इनकी जो चाची जो थी ताराबाई उस टाइम पे वो युद्ध चला रही थी, तो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाएगा और मैं यहाँ पे अपना काम करता रहूँगा, मराठे कमज़ोर हो जाएंगे। वे काफ़ी हद तक इस चीज़ में कामयाब रहे थे, मराठों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा था। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, तो उस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या रहा था। देखिए, जो खेड़ के स्थान पर एक युद्ध हुआ था साहू और इनकी जो चाची थी ताराबाई इनके बीच में अक्टूबर 1707 में, इसमें ये उत्तराधिकार का युद्ध ही था जो ताराबाई और साहू के बीच में था। इसमें जो बालाजी थे उन्होंने साहू की साइड ली और बालाजी की जो मदद से जो साहू थे वो जीत गए, क्योंकि बालाजी काफ़ी एक अच्छे योग्य, इनके पास योग्य नेतृत्व था, बालाजी विश्वनाथ जो थे, ये सिर्फ बालाजी थे, तो इसमें इनके पास जो पेशवा जो थे इनके पास जो योग्यता थी उसकी तो कोई कमी थी नहीं। ये आज भी अपनी योग्यता और बुद्धि वगैरह के लिए तो फेमस है ही हैं, तो इस चीज़ की तो इनके पास कोई कमी नहीं थी। इन्होंने उसी चालाकी से जो ताराबाई हैं उनकी साइड से कुछ लोगों को अपनी साइड मिला लिया और उनको मतलब तोड़ दिया। और जो ताराबाई के जो सेनापति थे जो धन्ना जी, इन्होंने उसको अपनी ओर मिला लिया, यानी ताराबाई के जो सैनिक थे धन्ना जी, तो इन्होंने उसको अपनी और ताराबाई कमज़ोर हो गई। और फिर उसके बाद जो जो साहू ने उसके जो चंद्रसेन जो थे जो धन्ना जी की जो पुत्र थे जो चंद्रसेन, उनको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। इससे अब क्या हुआ कि ताराबाई जो थी बिल्कुल कमज़ोर हो गई और इन्होंने जो वो युद्ध जीत लिया। और क्योंकि चंद्रसेन का भरोसा नहीं कर सकते थे, वो धन्नाबाई जो धन्ना जी थे उन्हीं के पुत्र थे और वो पहले ताराबाई के विश्वास पात्र थे, तो उनका भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस वजह से जो साहू थे उन्होंने एक नया पद बना दिया, सेना करते, यानी जो सेना को इकट्ठा करता है सेना करते, जो सेना करते उन्होंने नया पद बनाया और उस पर नियुक्त कर दिया बालाजी को। अब बालाजी जो थे उस पद पर नियुक्त हो गए, तो क्योंकि बालाजी साहू के भरोसेमंद थे, उनकी ही मदद से तो उन्होंने जीता था, तो उन पर तो वो भरोसा करते ही करते, तो सेना करते पर बालाजी को बना दिया। तो इस वजह से जो चंद्रसेन के जो विश्वासघात से बचने के लिए बालाजी के लिए सेना करते पद बनाया गया था। और हुआ भी ऐसा ही था, 1712 में जो चंद्रसेन थे वो ताराबाई से जा मिले। अब भाई कंडीशन डगमगा, जो सेनापति हैं वो ही ताराबाई से मिल गए, तो और जो कान्होजी थे जो सीमा रक्षक जो उनके जो नेता थे कान्होजी, वो भी ताराबाई से मिल गए थे, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो गई थी। लेकिन जो पेशवा थे जो मतलब पेशवा उस टाइम पे जो बहरोपान जो पिंगले थे उनको बंदी बना लिया गया, जो ताराबाई के जो समर्थ जो ताराबाई के जो समर्थ काफ़ी मुश्किलें हुई थी। लेकिन फिर से जो बालाजी थे उन्होंने अपना मतलब जो अपना चालाकी दिखाई और फिर से उनके गुट को तोड़कर और साहू के लिए और साहू को जीत दिला दी थी। तो इस वजह से जो बालाजी थे वो अपनी योग्यता के बल पर उभरे थे, ना कि कोई उनके पैतृक वगैरह उस पे, तो उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर अपने आप को स्थापित किया था। 1717 में 1770 में इन्होंने जो हुसैन अली थे जो सैयद ब्रदर्स जो थे उनके साथ एक ट्रीटी कर ली। देखो, इसलिए मैंने सैयद ब्रदर्स को पहले ही एक चैप्टर में क्लियर कर दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका आता ही रहेगा नाम, और इस अगर आपने ये नहीं किया तो पहले जाके इन सैयद ब्रदर्स को कीजिए, क्योंकि इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है इस बीच में, तो इनकी चर्चा चलती ही रहेगी। अगर आपने नहीं किया तो आपकी समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें कि हुसैन अली कौन थे, वहाँ पे क्यों छोड़ा था और क्या ट्रिटी की थी, मैंने ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके द्वारा जो मराठे थे उन्होंने ये कर लिया कि वो अगर हुसैन अली को ज़रूरत होती है तो वो 15,000 सैनिकों की मदद देंगे हुसैन अली को। और हुआ भी ऐसा ही था, जब वो हुसैन अली वहाँ पे अब्दुल्ला खां को बचाने के लिए गए थे तो उन्होंने मदद दी भी थी। लेकिन इसमें कुछ ये भी था कि अब जो साहू थे उनको पूरे राज्य का जो उनका मराठा का क्षेत्र था इस ट्रिटी के अनुसार उसका अधिकारी मान लिया गया था,
और उनको काफ़ी कोल्हापुर वगैरह इन सब में भी ये कहा गया था कि वो अब किसी को हानि वगैरह भी नहीं पहुंचाएंगे। तो जो साहू है वो सम्राट को 10 लाख रुपया जो वार्षिक है वो खरास देगा, और इससे उसको चौथ वगैरह वहाँ पे प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी। तो ये साहू के लिए काफ़ी वो था कि अब उनको पूरा के वो सम जो वहाँ पे अपना क्षेत्र है उसके वो सम्राट बन गए थे, उत्तराधिकारी उन्हीं के कब्जे में आ गया, वो अधिकार मिल गया उनको, तो ये उनके लिए सही था। हालांकि उनको अगर कभी हुसैन अली वगैरह को ज़रूरत होती तो 15,000 सैनिक भेजने थे। जो बालाजी विश्वनाथ थे वो 2 अप्रैल 1720 को उनकी डेथ हो गई थी। तो उस सेल्फ मेड मैन ही थे इन्होंने, अपने आप को जैसा मैंने पहले ही कहा था ये स्वयं ही स्थापित किया था, इसमें किसी की योगदान नहीं था, ये अपने ही दम पर आगे उभरे थे। देखिए ये जो बाजीराव थे, ये बाजीराव जो फर्स्ट थे 1720 से 1740 के बीच में, ये बालाजी जो थे उनके पुत्र थे। अब क्या हुआ कि जो 1720 में जो उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो छत्रपति साहू जो थे उन्होंने इनको पेशवा नियुक्त कर दिया, ये जो बाजीराव थे इनको पेशवा नियुक्त कर दिया। और उस टाइम पे ये मात्र 19 साल के एक युवा ही थे। 19 साल का एक युवा ही होता है पूरी तरह से, तो काफ़ी एनर्जी थी और बुद्धिमत्ता के लिए तो ये सब जाने ही जाते थे। तो जो माइंड था वो तो काफ़ी शार्प था ही था इनका। तो इन्होंने उसी टाइम पे जो साहू थे उनसे कहा था कि यही समय है कि अब हम अब समय आ गया है कि अब हम जो विदेशी हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, उन जो विदेशी हैं उनको कंट्री से बाहर निकाल दें, यानी जो विदेशी हैं उनको अपने देश से बाहर निकाल दें, और जो हिंदू हैं उनके लिए। उन्होंने मुगलों के लिए कहा था कि ये जो पुराना वृक्ष है, ये जो ओल्ड ट्री है, ये जो पुराना वृक्ष है, जो मुगल हैं इनके जो खोखले तने हैं उन पर वार करते हैं तो ये अपने आप धराशायी हो जाएगा, और जो मराठा पताका है वो कृष्णा नदी के पार फहराने लगेगी, यानी जो मराठा जो झंडा है वो कृष्णा नदी के पार फहराने लगेगा। तो साहू भी इससे इंप्रेस हुए थे उनकी इस बात से सुनकर कि एक 19 साल का लड़का बिल्कुल यूथ है, बिल्कुल उसके पास फुल कार्य करने की क्षमता है। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल अवश्य ही तुम इसको जो हिमालय है वहाँ तक गाड़ दोगे, जो ये तुम मराठ ये पताका फहराने की बात कर रहे हो, तुम इसे ही बिल्कुल अवश्य ही जो हिमालय के पार फहराओगे। अब जो ये बाजीराव थे इनका एक युद्ध हुआ था पालखेड़ के स्थान पर, इनकी कुछ उपलब्धियाँ वगैरह हैं जो उन्होंने कुछ युद्ध वगैरह लड़े थे इनके नेतृत्व में जो मराठों ने, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखो पालखेड़ के स्थान पर जो युद्ध हुआ था उसमें निजाम की हार हुई थी, जो निजाम हार हुआ था और मराठा जो सुप्रीमेसी थी यानी मराठा जो सर्वोच्चता थी वो दक्कन में स्थापित हो गई थी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पालखेड़ वगैरह कहाँ पे हैं। देखिए ये जो पालखेड़ है मैं दिखाता हूँ आपको, एक चेक ड्रैग आउट करता हूँ, ये यहाँ पे है देखिए, महाराष्ट्र में है या नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास में है। देखिए यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, यहाँ पे ये जो स्थान है ना ये है पालखेड़। तो इसी स्थान पे ये 1728 में ये मराठों का निजाम के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें कि मराठों की विजय हुई थी और उनकी फिर इस पूरे एरिया में उनकी संप्रभुता स्थापित हो गई थी, क्योंकि एक निजाम ही था जो उनसे बार बार टकरा रहा था। यहाँ पे अब ये मराठे तो शक्तिशाली थे ही, खैर तो वहाँ भी उनकी हार हो गई निजाम की, तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में फिर मराठों का जो आधिपत्य स्थापित हो गया था। देखिए क्या हुआ था कि जो बाजीराव थे उन्होंने 1737 में जो दिल्ली के लिए मार्च किया था, और वो जो मार्च किया था केवल 500 घुड़सवार जो उनके साथ थे वो केवल 500 घुड़सवार सैनिक थे, और उन्हीं के साथ उन्होंने 29 मार्च 1737 को दिल्ली के लिए मार्च किया। और वो जाट और ये जो पहाड़ी जो क्षेत्र थे जाटों के, मेवात और ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इन सबको क्रॉस करते हुए केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंच गए, और वहां पर वो केवल 3 दिन रहे थे। लेकिन हाल ये हो गया था कि जो मुगल जो बादशाह था यानी जो मोहम्मद शाह जो थे वो भागने की तैयारी करने लगे थे, वो इनके डर से यानी केवल 500 घुड़सवार जो
इतनी दूर से, यानी दक्कन से, लगभग दक्कन से जो महाराष्ट्र से और दिल्ली आए हैं बस 500 घुड़सवार, उनके डर से एक बादशाह जो मुगल बादशाह यानी जो इतनी जो विशालकाय मुगल डायनेस्टी थी उसका बादशाह केवल 500 घुड़सवारों के डर से भागने के लिए तैयार हो गया था। तो इसकी जो मुगल जो साम्राज्य था उसकी जो कमजोरी थी और बिल्कुल कोई जो अनप्रिपेयर्डनेस जो थी यानी कोई तैयारी नहीं थी उसका, उन्होंने ये हाल बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब मुगलों के पास कुछ नहीं बचा है। उसके बाद जो भोपाल का युद्ध मैंने कल बताया था इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था कल की वीडियो में, जिसमें बिल्कुल मैंने आपको मैप वगैरह के साथ बताया था, अगर नहीं देखा तो आप देखिए जाके। जो भोपाल का युद्ध जो दिसंबर 1737 में निजाम यानी निजामुल मुल्क जो दक्कन के जो वहाँ पे नियुक्त हुए थे, जिन्होंने दक्कन को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, वो और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी और मराठे जिसमें विजयी हुए थे। ये बाजीराव जो थे ना वो तोपखाने में जो मराठों की जो कमजोरी थी वो उसको जानते थे, इसलिए वो कभी सामने पड़कर युद्ध नहीं करते थे। वो बिल्कुल क्या करते थे, जिनकी जो मतलब खाने पीने का जो सामान है जो रसद है वो उसको ख़त्म कर देते थे, यानी जो कोई भी शत्रु है उसका जो खाने का जो सामान आ रहा है और जो अदर जो हथियार वगैरह की जो सप्लाई है वो सप्लाई को रोक देते थे और फिर उससे युद्ध करते थे, वो भी गुरिल्ला वार जो बोलते हैं मतलब छिपकर युद्ध करते थे। तो ये बाजीराव कब अपनी कमजोरी भी जानते थे, तो इसलिए ये केवल एक अच्छे सैनिक ही नहीं थे बल्कि जो स्किलफुल जो जनरल और ग्रेट स्ट्रेटजिस्ट मतलब जो स्ट्रेटजी बनाने में एक बहुत महान जो सैनिक बोल सकते हैं या लीडर बोल सकते हैं, इनके पास इन्होंने जो अपना जो साम्राज्य था उसको खड़ा किया था। देखिए जो इनके जो पिताजी थे वो जो बालाजी थे जो बाजीराव के जो पिताजी थे वो उन्होंने अपने दम पर मतलब पेशवा वगैरह जैसे साहू को बनाया और अपने दम पर स्थापित किया था पेशवा को, जो पेशवा की अपनी जो वंशानुगत जो सीट थी उसको। लेकिन जो बाजीराव थे उन्होंने जो मराठा जो साम्राज्य था उसकी नींव को सुदृढ़ किया था, नींव स्थापित की थी और मराठा जो साम्राज्य था उसको फैलाया था। तो 1740 में इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो इनके बेटे थे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 में ये बैठे थे, ये पेशवा बने थे। तो चलिए एक बार इनके बारे में और जान लेते हैं। देखिए जो बालाजी जो बाजीराव फर्स्ट थे उनके अंडर में जो पावर थी वो तो जो पेशवा से उसको छत्रपति से पेशवा को पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं था कि छत्रपति सुप्रीम है, नहीं, सुप्रीम तो पेशवा हो ही गया था। जो बाजीराव जो फर्स्ट थे उनके अंडर में सुप्रीम पावर तो पेशवा के हाथों में पहले ही जा चुकी थी, सब कुछ उसके ही कंट्रोल में था। इसके बाद में जो संगोला की जो एग्रीमेंट था 1750 जो, इससे पूरी तरह जो पावर थी जो सुप्रीम पावर थी वो जो पेशवा के हाथ में चली गई। अब जो छत्रपति थे अब वो केवल इनके एक आश्रित बनकर रह गए कि अब जो छत्रपति का ये सोच लो इन्हीं को भरण पोषण टाइप करना था। अब जो पूरी की पूरी जो 1750 की जो संगोला की जो ट्रीटी थी एग्रीमेंट जो था उसके द्वारा पेशवा के पास चली गई। अब छत्रपति बस एक नाम मात्र का एक शासक रह गए थे, असली जो रूलर थे अब वो पेशवा बन गए थे। देखिए इन्होंने जो था वो जो जयसिंह के साथ अपने जो संबंध थे वो सुधारे थे। इसके बाद जो मोहम्मद शाह ने जुलाई 1741 में एक रॉयल फरमान जारी किया, इसके जो इससे जो शहजादा जो अहमद थे जो शहजादे थे अहमद उनको तो सूबेदार नियुक्त कर दिया मालवा का। देखो मालवा को मैंने आपको कल भी दिखाया था, अभी भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में रुको। जो सूबेदार जो थे उनको मालवा का, जो शहजादा अहमद जो थे उनको मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया और पेशवा को उनका डिप्यूटी। यानी अब जो पेशवा को मालवा में भी जो मुगल बादशाह थे उनको उनकी सहमति मिल गई कि हाँ भाई अब यहाँ पर भी पेशवा का जो वर्चस्व वो स्थापित हो गया था। और इसके बदले में जो पेशवा थे वो मुगलों को जो 4000 सैनिकों की अगर कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो लगभग 4000 सैनिक लेकर आएंगे, और इसके वो एक जो रॉयल फरमान था इसमें वो एग्रीमेंट हो गया था। तो देखिए एक बार मैं आपको चलो वो दिखा देता हूँ कि फिर से वो मालवा कहाँ है। वैसे आप जो मैप है ना उसको थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। देखिए ये हमारा हिंदुस्तान रहा, अब यहाँ पे ये जो देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो बॉर्डर है ना ये
ये राजस्थान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला जो बॉर्डर था उस टाइम पे कोई इतना बिल्कुल जो एग्जैक्ट आज की जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रियाँ ऐसी नहीं थी। ये मालवा का प्रदेश था, ये जो साउथ जो राजस्थान था और ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा जहाँ पे ये जो कर्सर घूम रहा मेरा यहाँ पे, तो ये जो था ना ये हिस्सा यहाँ पे था, ये हिस्सा था मालवा। तो अब इसमें भी उनको डिप्यूटी घोषित कर दिया था मोहम्मद शाह ने। तो जो इनके बाजीराव के जो पूर्वज थे ना ये, तो इनके क्या था कि बालाजी जो बाजीराव थे, जो बालाजी जो थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने कोशिश की थी जो प्यार से ही वो हमें इजाजत दे दे मुगल तो हम यहाँ पे चौथ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन जो ताकत के वजह से इसको प्राप्त पूरन जो मुगल थे उनको इनको ये प्रदेश से उनको चौथ वगैरह प्राप्त करने की प्राप्त जी जो भोसले थे उन छोटा सा झड़प बोल सकते हैं युद्ध तो नहीं। उसके बाद जो अली वर्दी खां थे, जो नवाब अली वर्दी खां थे, वो भी इनको मराठों को रोक नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने भी जो, क्योंकि ये मराठों को तो रोकने में असमर्थ थे, इसलिए इन्होंने जो भास्कर जो पंत थे उनको पकड़ लिया और उनका मतलब क्रूरता से उनको ख़त्म कर दिया, यानी टॉर्चर करके काफ़ी और उनको ख़त्म कर दिया 1774 में। देखियो बल्कि की जो ट्रीटी हुई थी 1752 को, जो निजाम थे उन्होंने जो वेस्टर्न हाफ था जो बरार का उसको अब मराठों को समर्पित कर दिया था। जो निजाम थे वहाँ के, जो बल्की की संधि से जो निजाम थे उन्होंने जो वेस्टर्न हाफ जो था बरार का उसको अब मराठों को दे दिया था कि अब ये एरिया तुम्हारा है, बस तुम अब हमको जो हमारा बाकी है उसमें शांति से रहने दो। क्योंकि मराठे तो भाई उनके पास इतनी पावर आती जा रही थी, उनकी विशाल वो अपने आप को बढ़ाते ही जा रहे थे। जो मुगल थे वो अपने आप को ख़त्म करते जा रहे थे, लेकिन जो मराठे थे वो अपने आप को और आगे के लिए बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ पे बल्की की संधि से वहाँ के निजाम ने जो बरार का जो वेस्टर्न जो हाफ था, जो मतलब पश्चिमी जो हिस्सा था, देखिए ये होती है समय की चाल कि अब जब मराठों ने जब दिल्ली और पंजाब की तरफ अपने आप के अभियान बढ़ाए थे तो क्या हुआ था कि उधर से जो अब्दाली था, जो अहमद शाह अब्दाली था, जो अफगान था, वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। तो इस चीज़ से डर गया जो सफदरजंग था, उसने मराठों के साथ 1752 में अप्रैल 1752 में एक संधि की और इससे एग्रीमेंट हो गया कि अब जो सम्राट है, जो मुगल सम्राट है, वो मराठों को 50 लाख रुपया दिया करेगा। यानी ये समय की जो मराठे पहले मुगलों से अनुमति लेकर के हम यहाँ से कर ले लें या ये कर लें, अब वही सम्राट उल्टा मुगलों को 50 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया। इसके बदले में जो मराठे थे उनको जो राज्य मुगल साम्राज्य की जो बाह्य जो शत्रु थे, जो विदेशी आक्रांता जो थे, उनसे सुरक्षा करनी थी। ये हालत अब जो मुगल साम्राज्य जो मुगल जो शासक थे उनकी जो कमजोरी थी इससे साबित होती है वो कितने कमजोर हो चुके थे। देखो अहमद शाह अब्दाली ने जो एक टोटल 5 अभियान किए थे, मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं, उसमें जो अहमद शाह अब्दाली ने जनवरी 57 में पंजाब को क्रॉस किया था और ये मथुरा वगैरह, दिल्ली और मथुरा आया था और यहां पे इसने मंदिर वगैरह तोड़े थे, हिंदुओं को मारा था। तो ये हिंदुओं के तो खिलाफ थे, इस्लाम धर्म की स्थापना ही करना इनका मुख्य लक्ष्य था, तो इन्होंने ये काम इसलिए किए थे। इसके बाद में लेकिन जो 17 अप्रैल 1758 को जो मराठे थे उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया। जो मराठे थे, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, जो मराठों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया 1758 को, देखिए ये है मराठों का जो एरिया था वो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया देखिए मैं कर्सर यूज कर लेता हूँ, चलो
ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये मराठों का एरिया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब मराठों की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान, मतलब लाहौर, पाकिस्तान में जो था वो लगभग यहाँ वहाँ तक, यहाँ तक भी उनके जो कब्जा शुरू कर दिया था। और काबुल में भी जो गद्दी पर, जो क्योंकि काबुल से तो वो आ रहा था जो अफगान जो नेता था, जो अब्दाली था, लेकिन यहाँ पर भी जो ये मराठे थे इनकी शक्ति का जो परचम था वो लहराने लगा था। तो ये तो जो दिल्ली के जो मुगल जो बादशाह थे, ये तो खुद राजी हो गए थे कि भाई हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, बस आप जो हमारा साम्राज्य है उसकी जो बाह्य शक्ति है उनसे रक्षा करो। तो मराठों को क्या जा रहा, वो तो एग्री हो गए कि उनको क्या भाई, वो तो बस राजी हैं। वो तो खुद जो पहले परमिशन मांगते थे, आज वो इतने शक्तिशाली हो गए थे। तो ठीक है, देखो मैप पे मैं कहूँगा ज़्यादा फोकस किया करो, क्योंकि मैप से चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं, और ऊपर से उल्टा मैप से अब क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं। तो जब आप मैप करो तो थोड़ा ध्यान से मैप करो। और इसी तरह बहुत जल्दी जो, क्योंकि उन्होंने जो मराठे थे उन्होंने 1758 में लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था, और बहुत जल्दी जो पूरा पंजाब था अब वो उनके कब्जे में आ गया था। अब यानी उस पर जो राज था वो मराठों का था। जो बाजीराव थे वो काफ़ी ऐसा नहीं थे कि वो कट्टर स्वभाव के थे, नहीं, वो अपने जो मानवीय स्वभाव के कारण लोगों में जाने जाते थे, ठीक है। लेकिन जो बाजीराव थे उनके टाइम पे क्या हुआ, जो हिंदू पातशाही की जो मराठों की जो धारणा थी उसको धक्का लगा था, क्योंकि जो हिंदू पातशाही जो थी, अब ये था कि मराठों ने जो, उससे पहले क्या था कि जो मराठे थे वो हिंदुओं के साथ लेके चलने की कोशिश करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जो होलकर और जो सिंधिया थे उन्होंने क्या किया कि जो राजपूत राजा हैं, जो रघुनाथ राव जो थे, इन्होंने राजपूत राजाओं और जाटों के जो मतलब दुर्ग थे खांबेर वगैरह, इन पर, इनको भी नहीं छोड़ा। मतलब खुद जो हिंदू पातशाही की स्थापना करना चाह रहे थे उन्होंने हिंदुओं को ही अपने अपोजिट कर लिया। और यही वजह थी कि जब पानीपत का युद्ध हुआ था, देखो पानीपत का युद्ध एक अपने आप में वो है, तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा कल, तो जिसमें कि मैं केवल पानीपत के जो युद्ध है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। तो जो पानीपत का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो पानीपत में क्या हुआ था, पानीपत के युद्ध में जो, क्योंकि सभी मुस्लिम शक्तियाँ अब्दाली, जो अहमद शाह अब्दाली है उसके साथ में हो गई थी, लेकिन जो मराठे थे वो सभी हिंदू शक्तियों को एक करने में असफल रहे थे, उल्टा उन्होंने उनको अपना विरोधी बना लिया था, ठीक है। और 1748 से 1763 के बीच में एक और जो पावर है वो निकल के आ रही थी, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो अनदर पावर जो निकल के आ रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि ये जो एंग्लो 1763 तक जो एंग्लो फ्रेंच वार थे वो ख़त्म हो चुके थे, जो कर्नाटक के जो युद्ध थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेशी शक्तियों में सबसे जो प्रभावशाली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी निकल के आ रही थी। तो अब मराठों को दो फ्रंट से टकराना था, एक तो अब्दाली से भी टकराना था, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी से भी टकराना था। और फिर उन्होंने जो अपने खिलाफ ही जो अपने सारे के सारे जो हिंदू नेता हिंदू कर लिया था, अब हम जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसके बारे में अब हम कल देखेंगे, क्योंकि अब हम मराठों के ऊपर एक ओवरव्यू तो ले चुके हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया बढ़ाया था, और कैसे कैसे बालाजी विश्वनाथ, तो उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव द्वितीय, तो इन्होंने कैसे कैसे जो अपने को स्थापित किया, अब पेशवा को कैसे वंशानुगत बनाया, पेशवा जो पता, और कैसे जो छत्रपति थे वो केवल अब नाम मात्र के ही राजा रह गए थे, जो असली पावर थी वो पेशवाओं के हाथ में जा चुकी थी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मैं, हाँ एक बात और, कि अगर आपके पास कोई फीडबैक वगैरह हो हमारे इससे रिलेटेड, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम स्टार्टिंग है हमारी पढ़ाने की, क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि जो हमको लगता है कि जहाँ हम, जो चीज़ हमको नहीं मिल पाई थी वो आपके साथ ना हो। अब आप आइडिया लगा लो कि अब लगभग सुबह के 2:30 बज चुके हैं, अभी तो ये अपलोड करनी है, लोड कर रहा हूँ जो अब मैं बना रहा हूँ, इसके बाद में मैं अपलोड करूँगा। और फिर सुबह उठ के, क्योंकि मेरा भी मेंस है PCS वगैरह का, UPSC का जो मेरा भी मेंस आ रहा है, और भी मेरे
जो मैंस हैं एक दो, तो मुझको खुद भी पढ़ना होता है, उनकी भी तैयारी करनी होती है रात में, ये भी। बस ये चाह रहा हूँ कि जो देखो हमारे साथ जो थोड़ी जो सुविधा हमको नहीं मिल पाई थी जिन चीज़ों में, वो आपके साथ नहीं हो। तो इससे रिलेटेड देखो अभी हमारी शुरुआत है, हम भी मानते हैं हमारे पास सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए, कुछ भी हमारे पास अभी खोने के लिए नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ फीडबैक वगैरह हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, जिनको हम बिल्कुल कोशिश करेंगे अगर हमसे हो सका कि हम बिल्कुल उन चीज़ों को ऐड करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।